नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आपकी व्याकरण पुस्तिका का एक और विषय जिसका नाम है पदबंध। ठीक है, ये छोटी कक्षाओं में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी 6, 7, 8 में तो आपने पढ़ा ही होगा। पद बंध मतलब पदों का बंधना। ठीक है, जब बहुत सारे पद जो हैं किसी एक शब्द के लिए या एक पद के लिए ही कार्य करते हैं तो वो जो पद हैं वो आपस में बंध जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक के लिए ही प्रयोग में आ रहे हैं तो उसे कहते हैं पदबंध। पद और बंध मतलब पदों का बंधना। देखिए, शब्द भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है, ये तो सबको पता है, लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये शब्द नहीं रहते, ये पद बन जाते हैं। पहले भी मैं ये चीजें आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि अगर शब्द है तो वो स्वतंत्र इकाई है, अकेला है शब्द तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन अगर शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है और कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार मतलब कार्य करता है। वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि जब वाक्य में एक या एक से अधिक पद मिलकर एक ही पद का काम करते हैं तो वो होता है हमारा पदबंध। अब देखिए, शब्द पद और पदबंध में अंतर क्या है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जो कि स्वतंत्र होता है, जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है, पद बन जाता है, और जब दूसरे सहायक पद किसी मुख्य पद के साथ मिलकर एक ही पद के रूप में काम करते हैं या एक ही पद का रूप ले लेते हैं। देखो, कहने का अर्थ ये है कि शब्द स्वतंत्र है, वाक्य में जब शब्द आया तो पद बन गया, लेकिन जब बहुत सारे पद एक होगा, लेकिन जब कई सारे पद जो हैं शब्द जो हैं मिलकर किसी एक के लिए ही कार्य करते हैं तो वो होता है पदबंध। देखो, जैसे खेलना एक पद है, लेकिन अगर मैं बोलूं खेल रहे हैं तो कार्य तो खेलने का ही हो रहा है ना, पद तीन हो गए लेकिन कार्य किसका किया, सिर्फ एक का, तो इसी को कहते हैं पदबंध। देखिए, शब्द है स्त्री, पद है स्त्री छत पर बैठी है। अगर शब्द है स्त्री, स्त्री स्वतंत्र है तो शब्द है, लेकिन जब यही वाक्य में स्त्री आ गई तो ये पद बन गया, और पदबंध क्या, पतली सी सुंदर स्त्री। ये देखिए, चार शब्द हैं, ये 1, 2, 3, 4, पतली सी सुंदर स्त्री। अब देखिए, चारों जो ये पद हैं ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री के लिए काम कर रहे हैं, तो चार मिलकर भी सिर्फ स्त्री के लिए काम कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हम पदबंध। ऐसे ही देखिए, गुड़िया जब सबसे अकेला है स्वतंत्र है तो शब्द है, मीरा की गुड़िया टूट गई वाक्य में आने के बाद पद बन गया। मीरा की बैटरी से चलने वाली गुड़िया, बैटरी से चलने वाली गुड़िया कह तो बात तो हम गुड़िया के बारे में ही कर रहे हैं ना, लेकिन इतने सारे पद मिलकर कर रहे हैं, यहां सिर्फ गुड़िया थी, यहां 1, 2, 3, 4, 5, यहां 5 पद मिलकर गुड़िया के लिए ही काम कर रहे हैं तो ये है हमारा पदबंध। अब देखिए, पदबंध के भेद कितने होते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए, इनमें से इन 5ों में से 4 तो आपके विकारी हैं और सिर्फ एक विकार अविकारी है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों आपके विकारी हैं, सिर्फ अविकारी क्या है, आपका क्रिया विशेषण, जो कि मैंने अव्यय के पाठ में भी आपको पढ़ाया था कि क्रिया विशेषण अविकारी होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। अब संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम, ठीक है, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम, ठीक है। तो जब नाम वाक्य में प्रयुक्त तो जो पद समूह संज्ञा का कार्य करे। अब यहां देखो, बंगलुरु जाने वाली गाड़ी 2 घंटे देर से जाएगी, यहां पर संज्ञा क्या है, गाड़ी, ठीक है,
तो गाड़ी 2 घंटे देर से जाएगी, लेकिन इसी गाड़ी को हमें पदबंध बनाना है। पदबंध बनाएंगे, जब पदों को बांधेंगे तो उसमें सिर्फ एक पद नहीं आता है, एक से ज्यादा को ही बांधते हैं, एक अकेले को क्या बांधेंगे हम, ठीक है ना। तो बेंगलुरु जाने वाली गाड़ी, तो ये चारों ही पद जो है ये आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा थी गाड़ी। दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी मैदान में आ गए, हम ये भी लिख सकते थे कि खिलाड़ी मैदान में आ गए, लेकिन पदबंध पदों को बढ़ाना, बांधना कई पदों को, तो दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी संज्ञा पदबंध। थका हारा मजदूर, अब मजदूर शब्द क्या है, मजदूर आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द है, तो थका हारा मजदूर, तो ये तीनों ही जो है वो क्या बन गए आपके संज्ञा पदबंध। तो जहां पर आपको संज्ञा दिखे और उस संज्ञा को डिटेल में जब हम कई पदों में बताएं तो वो होता है हमारा संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह सर्वनाम का कार्य करते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम का कार्य अगर एक पद है सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन जब कई पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम। देखिए, सदैव साथ देने वाले तुम, अब आपको सर्वनाम पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं। जब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो वो सर्वनाम होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सर्वनाम की पहचान करनी है। तुम सर्वनाम है तो सदैव साथ देने वाले तुम, तो ये सारे आपके पदबंध है, सर्वनाम पदबंध। परेशानियों में उलझा हुआ वह भी सर्वनाम है, तो ये सारे आपके सर्वनाम पदबंध है। दुर्भाग्य का मारा मैं भी सर्वनाम है, तो ये सारे आपके सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद है आपका तीसरा विशेषण पदबंध। अब विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, तो विशेषता वाले शब्द हमें देखने हैं। देखिए, लंबी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, अब इस व्यक्ति को इन्होंने लाल नहीं किया। देखो, अगर व्यक्ति भी ये यहां व्यक्ति तक अगर ये लाल रंग का कर देते तो ये संज्ञा बन जाती, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति क्या होती है, संज्ञा। लेकिन इस व्यक्ति की ये विशेषताएं बता रहे हैं, व्यक्ति को नहीं ले रहे हैं, व्यक्ति की सिर्फ विशेषताओं को ले रहे हैं। लंबी सफेद दाढ़ी वाला ये विशेषता है, तो ये हो गया आपका विशेषण पदबंध, ठीक है। 2 दिन पहले घर से लापता हुआ बालक, अब बालक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की विशेषता क्या है कि 2 दिन पहले से लापता हुआ बालक। दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों, अब मजदूरों की विशेषता क्या है, दिन रात मेहनत करने वाले, तो जो विशेषता है तो वो हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। उसके बाद है क्रिया पदबंध। अब सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि क्रिया कहाँ होती है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है, कि वाक्य में प्रयुक्त जो पद समूह क्रिया का कार्य करता है। क्रिया पहले ढूंढेंगे हम तो वाक्य के अंत में मिलेगी हमें। तो आपके सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। अब देखो, स्वीकार है कि जगह हमने बढ़ा दिया, स्वीकार कर लिए गए हैं, तो ये सारी क्रिया है, तो क्रिया पदबंध। धीरे धीरे नाव पानी में डूबती चली गई, तो क्रिया है, तो क्रिया पदबंध। अब वह आप तक सो चुका होगा, ये सारे देखो क्रियाएं हैं, सो चुका होगा, तो क्रिया पदबंध। उसके बाद आखिरी है आपका क्रिया विशेषण। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया की जो विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण। तो क्रिया कहाँ होती है, वही अंत में। तो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर सकता, अब कोई काम नहीं कर सकता क्रिया है, विशेषता क्या है, बिना सोचे समझे। बूढ़ा धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ चल रहा था, अब देखो चल रहा था क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ, अब विशेषता ये है, तो क्रिया विशेषण यही होगा। वह बड़ी तेजी से आया और नदी में छलांग लगा दी, अब आया, देखो क्रिया क्या है, आया, और आया की विशेषता क्या है, बड़ी तेजी से, तो क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से जो है हमें पदबंध के 5 भेद, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध जो है,
इस तरह से जो है हमें उनको छांटना पड़ता है। संज्ञा पदबंध में हमें पहले संज्ञा देखनी पड़ेगी, संज्ञा तक हम लेके जाएंगे, सर्वनाम में हम सर्वनाम तक लेके जाएंगे, विशेषण है तो हमें सिर्फ विशेषण तक ही जाना है, क्रिया है तो हम क्रिया को लेके चलेंगे, और क्रिया विशेषण है तो हम क्रिया की विशेषता को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये पदबंध का पूरा विषय खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा पदबंध का ये विषय और इसके भेदों के बारे में पूर्ण जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।